चातुर्मास यानी साल के वो चार महीने जब इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है। इस बार 1 जुलाई से चातुर्मास आरंभ हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चातुर्मास का समय होता है। चातुर्मास के दौरान यानी कि इन चार महीनों में विवाह, गृह प्रवेश और सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चार महीनों के दौरान सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए जाते हैं, इसलिए सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य थम जाते हैं। इस बार अधिमास पड़ेगा जिस कारण से आश्विन माह 2 होंगे। अधिमास होने के कारण चातुर्मास 4 महीने की बजाय 5 महीने का होगा। ऐसे में इसके बाद सभी तरह के त्यौहार आम वर्षों के मुकाबले देरी से शुरू होंगे, जहां श्राद्ध के खत्म होने के बाद तुरंत अगले महीने से नवरात्रि आरंभ हो जाते थे, लेकिन अधिमास के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होगा फिर अगले दिन से आश्विन मास का अधिमास आरंभ हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।